नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। तो बड़ी खबर हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स स्थल जो दरभंगा में है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके लिए दिन तय हो गया है। 13 नवंबर को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये देखिए दरभंगा एम्स स्थल है जहाँ पर झंडा गाड़ा गया है। पूरा एक पहले नड्डा जो आए थे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनके सामने में ये एक पूरा झंडा, पीला झंडा गाड़ दिया गया था। हालांकि काफ़ी मुश्किल था, गाड़ा भी गया, कहीं से उखड़ भी गया। हम बता दें ये पंचोब जो है मौजा बलिया में पड़ता है एम्स, और इसे लेकर के बार बार मांग उठती रही थी कि जमीन जिनकी गई है कम से कम उनके नाम से भी यहाँ का एम्स को रखा जाएगा तो इन लोगों को संतोष हो पाएगा। राजीव चौधरी हैं हमारे साथ मुखिया, उनके साथ कई लोग हैं जो इसी पंचोब के हैं, और आज इस बात की खुशी तो अवश्य होगी कि मोदी आज शिलान्यास करेंगे 13 नवंबर को, इसलिए सारे अधिकारी भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब कितने हैं आप खुश हैं इसको लेकर के, ये तय हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के तरफ से, दरभंगा जिला के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहते हैं जो देर से ही सही लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेके आप वो शिलान्यास करेंगे। तो लोग को लग रहा है कि नया अब एम्स बनेगा ही, और इस एम्स निर्माण के लिए तो बहुत दिन से चर्चा था। जब से चर्चा हुआ तो नागपुर और कई जगह एम्स बन भी गया, एक साथ जो सेंक्शन हुआ उसमें बहुत जगह एम्स बन भी गया। दरभंगा में भी अगर सही दिशा में काम किया गया होता तो यहाँ भी बन गया रहता, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण से यहाँ उठा पटक होता रहा। खास करके यहाँ बलिया पंचोब में एम्स बने, यह प्रस्ताव हमने तत्कालीन DM को पूरे कागजात के साथ दिया, जिसको कि न केवल हम बल्कि पूरे वो तत्कालीन बिहार सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय संजय झा जी सहित जितने महागठबंधन के उस समय में लोग थे, सारे लोगों ने उस प्रस्ताव को देखा। माननीय मुख्यमंत्री ने जनवरी में आके स्थल निरीक्षण भी किए और उन्होंने भी स्वीकारा, जो DMCA से लाख गुना बढ़िया यहाँ है और यही उपयुक्त जगह है, ग्रीन फील्ड एरिया है, और शहर का भी विस्तार होगा क्योंकि दरभंगा शहर अब एकदम संकीर्ण हो गया है। तो इस शहर का भी विस्तार होगा और इस जगह को मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संजय झा जी माननीय मुख्यमंत्री को लेके आए, और उस समय में महागठबंधन की सरकार थी लेकिन केंद्र की सरकार ने उसको अड़ंगा लगाते रहा। फिर केंद्र बिहार के दोनों दो सरकार था, अड़ंगा लगाते रहा। संजोग ऐसा बना जो बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री वही थे, माननीय संजय झा जी भी वही हैं, लेकिन सरकार बदल गई और ये लोग NDA में गए तो यह बात सुलभ हुआ। जो अब बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों एक ही गठबंधन से सरकार था हो गया तो मैंने इन मुख्यमंत्री की बात भारत सरकार भी मान लिया, और माननीय संजय झा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो एकमात्र, अगर कोई राजनेता एकमात्र शुरू से अंत तक एक ही मुद्दा पर हो, जो एम्स दरभंगा में बने और वह एम्स बलिया पंचोम में बने, इस बात के लिए एकमात्र लीडर संजय झा है जो लगातार उस इस व्यू में उनका कोई बदलाव नहीं। अब 187.44 एकड़ जमीन सौंप दी गई, एम्स के डायरेक्टर को सौंप दिया गया, मंगल पांडे थे उनके सामने फाइल पूरी सौंप दी गई। अब क्या लगता है कि यहाँ जो स्थिति है आप देख सकते हैं, काफ़ी गड्ढा है, करीब 30 फीट ऊँचे उठेगा, ये हमने पहले ही बनाया था, तो उसको भर करके, और आप लोग का जो क्षेत्र है आसपास का कितना लाभान्वित होंगे यहाँ के किसान? कई किसान कह रहे हैं कि हम लोग को काफ़ी दुख हो रहा है, वहाँ हम लोग का चारा निकलता, चारा के लिए होता था, अनाज उपजता था, वो नहीं हो गया। देखिए, ये एक समय था, अंग्रेज का जमाना था, जब जमींदारी की बंटवारा शुरू हुई तो उस समय में बलिया पंचोब हमारे पूर्वजों ने गौचर के लिए छोड़ा, जो इसमें 201 एकड़ का यह बलिया पंचोब मौजा है, इसको गौचर के लिए छोड़ा गया। लेकिन जब अंग्रेज गए तो वह दान पत्र भी लेते चले गए, तो जिस मालिक का जो तौजी है वो तौजी, मेरा खुद का भी 14 बीघा का आज तक, आज के तारीख में भी, इस साल का भी नया जमाबंदी है, मैंने रसीद कटा हुआ है, और बहुत लोगों किसानों का है, पूरे गांव के सभी किसानों का है। तो यह जो है
सो हम लोग का जब इसको तोड़ के ट्रैक्टर का युग आया, लोग खेती करना शुरू किया तो बहुत अच्छी फसल यहाँ उगा। आज पिछले साल भी इस सारे खेतों में 2.5 मन के कट्ठा गेहूँ उपजा है। और बहुत ऐसे भी किसान हैं जिनको कि सिर्फ यही ज़मीन है, इसके अलावा कहीं और ज़मीन नहीं है। तो वैसे किसानों के लिए सरकार को सोचना चाहिए जो उनको पर्याप्त मुआवजा भी मिले और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए एक आदमी को एम्स में नौकरी भी दे ताकि उसका माने क्षतिपूर्ति हो सके, उसका परिवार का गुजर बसर चल सके। वैसे यहाँ एम्स बनने से शहर का केवल विस्तार ही नहीं होगा बल्कि जैसे दिल्ली का ग्रेटर नोएडा हो गया, वैसे दरभंगा का ही ग्रेटर नोएडा होने जा रहा है। अच्छा, ये एक बात और भी है मुआवजा को लेकर के, आप लोग इस मांग को रखेंगे क्या, क्योंकि 13 नवंबर को इसका विधिवत शिलान्यास होगा, इस मांग को रखेंगे प्रमुखता से? देखिए, निश्चित रूप से इस मांग को रखेंगे, लेकिन एम्स को रोक के नहीं। एम्स निर्माण हो या मेरे इलाके के लोगों का पहला प्राथमिकता है जो एम्स निर्माण यहीं और पंचो बलिया में ही हो। दूसरा बात, जब एम्स निर्माण होगा तो सरकार को उसके बाद हम लोग मांग रखेंगे, उसके बाद अपने तरफ से आर्गुमेंट करेंगे। जो निश्चित रूप से आप जो किसान का ज़मीन जा रहा है और उसको सरल तरीका से, जैसे कहते हैं अभी जो अपडेट रसीद कटाए हैं उनका, तो अपडेट रसीद सबको कटाना संभव नहीं है। सीओ के यहाँ चक्कर लगाता है, वो एक ढाकी मुंह खोले हुआ है या उसके बाद भी नहीं करता है। तो ये सब जो लफड़ा है उसको ख़त्म करके, और जिस जो मालिक का जो कागज है, पुराना खतियान हो नया खतियान हो, और उस तमाम बात को सरल करते हुए अधिक से अधिक किसानों को मुआवजा दे और उसको यहाँ किसी न किसी रूप में सो उसको रोजगार दे, नौकरी दे, यह हम लोगों का मांग है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे गांव के लोग इतना बड़ा प्रॉपर्टी दे रहा है, ये जो भी है पुराना खतियान आज भी जिंदा है, और ये जो भी है किसी न किसी रूप में हमारे ही गांव के जमींदारी में ही था और हमारे ही गांव के लोग सो इसमें फसल उपजा के ले जाते थे। तो वैसे अगर दूसरे जगह होता तो उसको एम्स का महत्व नहीं समझता, वो अपने ज़मीन का महत्व समझ के उसको घेरता, लेकिन हमारे यहाँ के लोग एम्स का महत्व समझ रहे हैं, इलाके का चौमुखी विकास समझ रहे हैं, या शहर का विस्तार होगा, हमारा इलाका दरभंगा का ग्रेटर नोएडा बनेगा, यह सोच के साथ यहाँ लोगों को फल सब्जी दूध से लेके और विभिन्न तरह के रोजगार में लोग लगेंगे। तो ये तमाम बात को सोच के हम लोग एम्स के पक्षधर हैं। थोड़ा नुकसान उठा के भी होगा तो सहेंगे, लेकिन एम्स निर्माण हो इसके लिए हम। तो चलिए हम बता दें कि राजीव चौधरी हैं मुखिया पंचोप का, और पंचोप के जो बलिया मौजा उसी में एम्स, ये सबसे बड़ी खुशी का विषय है आप लोग के लिए। इतना यहाँ काम होगा अगर एम्स बन जाता है तो बहुत बड़ा विकास होगा, और ख़ास करके एम्स के लिए भी दरभंगा में बनना, टाउन में कोई न गाड़ी जा पाएगा, भर दिन जाम में रहता है, यहाँ न जाम होगा, और नेपाल से लेकर के और मुजफ्फरपुर वगैरह का भी, इधर जो है जाले वगैरह, जाले भरवाड़ा ये सब का भी, सीतामढ़ी यहाँ से भी लोग आएंगे, अब बहुत ज़्यादा मने खुशी होगा लोगों के। क्षेत्र का क्या विकास, रोजगार तो मिलेगा ना? हाँ, रोजगार मिलेगा, और खास करके इससे भी जो एम्स बनेगा, लेकिन इस जिला के नहीं नहीं खुशी के क्षेत्र में है। तो ये जो है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होगा, रोजगार लगेगा, कुछ को नौकरी भी मिलेगी, तो इसलिए हम देखते हैं जी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र का जमीन चला गया तो क्या लगता है कि जमीन का भी दाम बढ़ा, उससे भी तो आप लोगों को फायदा पहुंचेगा जो आसपास की होगी जमीन? अब कहीं नफा नुकसान का बात है, जहां नुकसान हुआ उस कहीं दूसरे का हम लोग का भरपाई हो जाएगा, लेकिन एम्स का जो महत्व है वो हम लोग समझ रहे हैं, इससे हमको क्या ग्रोथ होने वाला है, इसीलिए एम्स जो है सो यहाँ पर मैं बन जाएगा तो हम लोग खुद अपने आप ग्रोथ कर जाएंगे, हम लोग का एरिया खुद ग्रोथ हो जाएगा ऑलरेडी। तो हम बता दें, अच्छा कितने एकड़ ज़मीन गई है आप लोगों की, मतलब पूरा अगर पंचायत कहें तो पंचायत की? 151 एकड़ ज़मीन जिसको अभी सरकार ने कहा है या बिहार सरकार है,
और 37 एकड़ जमीन का मुआवजा भुगतान के लिए तैयार है, जिसमें से कुछ जमीन का मुआवजा दिया भी है, जिसका अपडेट रसीद था उसको मुआवजा दे भी दिया गया है, लगभग 2 करोड़ के आसपास मुआवजा बटा है। टोटल 188 एकड़ जमीन, 201 एकड़ बलिया मौजे है, जिसमें से नदी है तो नदी में कुछ जमीन गया है, और इस साइड में जितना 188 एकड़ जमीन था उसको एम्स के लिए।